नूर साहिबा आप कुछ अपना गा के कुछ सुना दें, और क्योंकि हम बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं अपने वक्त के, तो छोटी सी नज़म है पंजाबी की जीवन जिंदगी, वही मैं सुना देती हूँ। इसलिए भी कि पिछले 2-2.5 सालों में हादसात ने इस तरह से अब्बा जी और छोटे भाई की डेथ, लेकिन उसका जो आखिरी शेर है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, तो वो इनकी जिंदगी हवाले से लगता है कि वो उसका मतलब एक नया रूप सामने आता है, तो वही मैं आपको सुना देती हूँ। नोक सुई दी जीवन बनिया नक्के राही लंघना होवे तड़फा जिवें मच्छी, सबर तरोपा पर ना होवे तागे वांगू कच्ची। बिन सजन कुप हनेरा लो साईंदी सच्ची। शुक्रिया। अंतर साहब आप ही सुना। मैं अल्लाह साहब के बारे में जैसे एक बात ही बता दूं कि ये बज़ाहिर बड़े खामोश तबा आदमी हैं और कहते ये हैं मुसलसल के अदब से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सच्ची बात ये है कि इनके यहाँ जब मैं चाय पी रहा था और उन्होंने बहुत खूबसूरत प्याली निकाली, तो सच्ची बात यह है कि चाय मैंने पी, प्याली नहीं पी, लेकिन प्याली भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और मैं बताऊं आपको कि इनका जितना हमें तआवुन रहता है, जितना जितनी सपोर्ट रहती है इन प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि और बेअदब किस्म की चीज़ों के बगैर अदब नहीं बनता, तो इसलिए हमें बहुत सी चीज़ों को जूझने में इनसे मदद मिलती है। और ये हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, हमारी जो अंजुमन है अंजुमन अदब, और खालिद साहब के यहाँ इस किताब पर जब पढ़ी थी तो अल्ताफ साहब भी वहाँ मौजूद। मैं अल्ताफ साहब से कहूँगा कि हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करें और मेहमान खुशी तौर पर, और फिर ये इख्तिताम पहुँचते हैं। हमारे आज के मेहमान अहमद सलीम साहब और आपके साथी और मेरा अशफाक साहब। मेरा नाम अल्ताफ खान है, अक्सर लोग मुझे अल्ताफ हुसैन और अल्ताफ भाई से कहते हैं, और अर्ली मुझे पहले यहाँ कहा गया कि वहाँ अल्ताफ हुसैन ने बड़ी गड़बड़ की और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी गड़बड़ की, उसी वजह से अंजुमन अदब एक बेअदब आदमी का साथ उसमें शामिल हुआ और चलना शुरू हुआ। मैं इस एशियन कल्चरल सेंटर को भी चेयर करता हूँ और काउंटी सिटी में भी मैंने सर्व किया। दो तीन बातें मैं छोटी छोटी हैं वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा क्योंकि आज की जो महफल है, जैसे मेरा साहिबा ने कहा कि एक रिसर्च और आर्काइव का ज़हीरा है अहमद सलीम साहब के पास और वहाँ जो काम हो रहा है, तो मुझे अकबर हैदराबादी साहब ने, मेरे वो वर्क कोलीग भी रहे हैं अकबर हैदराबादी साहब ने, आफ्टर जस्ट स्कूल बड़ी यंग एज में मैं यहाँ आ गया था, तो मैं पोस्ट ऑफिस में उनके साथ हमारा एक काम था, उन्होंने मुझे कहा कि एक दो तीन किताबें पाकिस्तान से ले आएँ, उर्दू की किताबें थी, तो मुझे ज़्यादा कोई पता नहीं था पाकिस्तान में भी कहाँ कहाँ क्या मिलता है क्या नहीं, तो मैंने अपने कज़न को ले कर हम रावलपिंडी पहुँचे तो किसी ने कहा जी कि उर्दू बाज़ार चले, उर्दू बाज़ार गए तो वहाँ सब स्टेशनरी की दुकान, सब स्टेशनरी थी वहाँ, कोई किताब हमें नहीं मिली। फिर किसी ने कहा नहीं भाई यार ये बड़ी बड़ी मुश्किल सी किताबें हैं, क्योंकि नाम तो आप बता रहे हैं, क्योंकि पास सिर्फ निसाब की किताबें थी जो बच्चों को एक जो बस सिलेक्टिव किस्म का निसाब है जो पढ़ाया जाता है, तो आप इस्लामाबाद चले जाए।
घूमते फिरते हम जी इस्लामाबाद पहुंचे और बड़े बड़े प्लाजो में से गुजर फिर के, तो एक जगह जो किसी साहब ने बताया तो उनसे मैंने पूछा कि यहाँ कोई किताबों की दुकान है, तो एक किताबें चाहिए थी। तो उसने कहा कौन सी किताबें, तो वो मैंने बता दिए नाम। तो उसने ऐसे आगे पीछे देख के ना मुझे कहने लगा, पंजाबी आदमी था, तो कहने लगा छोड़ यार कोई बिजली का सामान चाहिए तो गल कर। अच्छा बहरहाल वो घूम फिर के हमें वो किताबें वहाँ से नहीं मिली, और अकबर हैदराबादी साहब को मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा कि ये किताबें पाकिस्तान से नहीं मिल पाई। मेरा यहाँ जो कम्युनिटी वर्क काम काज है उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी कुछ मेरे लिंक्स रहे हैं, लोकल अथॉरिटियों के साथ भी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बार लोकल अथॉरिटी में उस वक्त एग्जीक्यूटिव बोर्ड पोर्टफोलियो होल्डर था कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी सेफ्टी, तो मुझे वो लेके गए कि आप साथ हमारे चलें, और बड़े हाई लेवल के दो बंदे थे अंग्रेज मेरे साथ। तो हमने जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डीन से मिला, और हमारा वहाँ कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो हम चाहते थे गवर्नमेंट या ऑफिशियल बॉडीज़ के स्टूडेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। तो क्योंकि उनको कोई पॉलिटिशियन चाहिए था, क्योंकि वो जो फोर्सेस के आदमी और सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग जो हैं वो चाहते थे कि ये पॉलिटिशियन से बात हो। तो मुझे वो सारा ब्रीफ किया गया, मैंने पूरा केस डीन के सामने रखा। तो आप यकीन करें कि सारी बात उसने सुनने के बाद, चाय बिस्किट सब कुछ ऑफर करने के बाद, उसने कहा कि आई एम सॉरी, हमारे स्टूडेंट अपने जहन से आज़ाद हैं, इनके अपने डिबेट्स हैं और इनके अपना काम है, वी डू नॉट इंटरफेयर इन एनी वे एंड वी विल नॉट, बेसिकली उसने सारी कर दिया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के यहाँ जो डिबेट्स चलते हैं, तालिब साहब ने बताया, यूनियन हैं और जो इंस्टीट्यूट जो है हमारे यहाँ अदारे हैं, बॉडलियन हमारी वो जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इन सब लोगों का अगर काम देखा जाए तो एक एक बड़ी इंडिपेंडेंट वो है। जैसे आपने कहा कि अहमद सलीम साहब ने कहा था कि वो मिनिस्टर से बात करेंगे तो वो कहेंगे ये लिखा, और फिर जो एक आपने कहा कि यंग लोग या स्टूडेंट्स या और लोगों का आना, तो पाकिस्तान का और पाकिस्तानी जो इमेज नज़र यहाँ में आता है इज़ वेरी डार्क यहाँ से मिले, जो सच्ची जो बात ये है। और ये नहीं है कि वो मेरा एक वो किताब वाला वाक्य हुआ, मैं उसके बाद भी एक दो वाक्य छोटे छोटे आपको बताता हूँ कि यहाँ पाक सोसाइटी जो स्टूडेंट की सोसाइटी है यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड या पार्लियामेंट से किसी पाकिस्तानी पर्सन को आप ला के दें, यहाँ एक डिबेट चला। तो वहाँ एक खातून है, वो भी हमारी तरह बहुत यंग एज में यहाँ आ गई थी, किश्वर बैरनेस है, हाउस ऑफ लॉर्ड की मेम्बर है, उर्दू स्पीकिंग है हमारी। तो उनको मैंने यहाँ बुलाया तो एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि एकेडेमिक्स और रिसर्च के लिंक आप पार्लियामेंटेरियन ऐसे कोई काम करें कि हमारे वहाँ से रिसर्च और एकेडमिक लिंक्स यहाँ बने और लोग यहाँ से वहाँ आए। तो उसका बड़ा एक ब्लैंकली जो जवाब आया वो ये था कि पाकिस्तान जो है वो एक ब्रेन ड्रेन कंट्री है, तो उसके साथ क्या लिंक हम बनाएंगे। और खैर उसके बाद मैं आपको एक और वाकया बताऊँ, मेरे एक कज़न हैं, उनको किसी किताब की ज़रूरत पड़ गई, वो भी इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है वहीं पहुँचे। तो उनके कोई पुराने दोस्त थे जो कि कोई आर्मी के बड़े अहदों पर गुजरे, तो वो कहते मैं उनके घर गया तो उन्होंने पूरा वो इस्लामाबाद दिखाया जी कि ये प्लाजे हैं, कोठियों की ये कीमत है, और अपना घर दिखाया और कोठी के वो कहते हैं कि एक कमरे में बिठाते हैं, तो कहते हैं मैं ये शेंडलेर जो है मैं फ्रांस से लेके आया था, ये चीज़ मैंने फ्रांस से लगा ली। तो ये कहते हैं मैंने कहा यार भाई मैं तुम्हारे पास ठहरा था तो ये एक किताब है ये, तो कहते नहीं यार चल निकल वो तुम्हें दूसरा कमरा दिखाता हूँ, दूसरे कमरे में और फर्नीचर और इस तरह की चीज़ें वो दिखा रहे हैं। तो ये कहते मैंने जब इंसिस्ट किया दूसरी या तीसरी बार मैंने कहा कि मुझे वापस भी जाना, क्योंकि हम वी आर ओरिजिनली फ्रॉम आज़ाद कश्मीर हमारा, उन्होंने कहा मैंने वापस भी जाना है तो तुम्हारे पास रुका था तो ये किताब का, तो उसने
वो भी पंजाबी से यार एक ही खत खाना तेन इतना कुछ इस्लामाबाद में खाया था तो ऐसे किताब के पीछे तो ये बात है कि जो अहमद सलीम साहब का रिसर्च और आर्काइव का काम है हाउ कैन दैट बी शेयर्ड एंड लिंक्ड विद अदर इंस्टीट्यूट। हमें तो कोई नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान में इस तरह के इंडिपेंडेंट को अदारे बनेंगे या इस तरह के काम को एक कंटिन्यूस किया जाएगा, क्योंकि जो हमारी लीडरशिप की विजन है वो हमें दूर दूर से नज़र आती है कि वो क्या है। और अक्सर जो अब लोग हैं उनका सिर्फ वो एक निसाबी जमातें पढ़ना और मुख्तलिफ अहदे और मुख्तलिफ चक्कर और मुख्तलिफ करप्शन में मतलब पूरे एक सिस्टम को उन्होंने घुमाया हुआ है। तो इस तरह यहाँ ऑक्सफोर्ड में भी जो हमारे यूनिवर्सिटी के और बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ रिसेंटली एशियन कल्चरल एसोसिएशन में हमने जब सुना कि बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी अटैक्स में से किताबें निकाल के फेंक रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं किताबें फेंके नहीं, मुझे दे दे, मैं यहाँ सेंटर में रख दूँगा, कम अज़ कम लोग यहाँ से आके कोई पढ़ेंगे बैठेंगे देखें। तो हमारे जो जावेद मलक साहब जिनका नाम लिया गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इतनी सारी किताबें लोगों से कह रहे हैं कि सेंटर में पहुँचाओ, तो आप यहाँ रखेंगे तो पढ़ेगा कौन, इनको कौन पढ़ेगा। अच्छा, तो हमारे जो यहाँ केयर टेकर नीचे साहब बैठे हैं, तो ये अक्सर इंटरनेट पे वो रहते थे, तो इंटरनेट से उतर के आजकल वो किताबें पढ़ रहे हैं। तो आज अभी भी मुझे कह रहे हैं कि आपका बड़ा शुक्रिया, इतनी किताबें आपने यहाँ भिजवा दी, तो मैं कम अज़ कम एक किताब जो है मैं एक हफ्ते में पढ़ देता हूँ। तो मैंने उनका टाइम पास होता है, किताबें भी पढ़ते, तो मैंने जावेद मलिक साहब से कहा, मैंने कहा कि देखिए एक ही बंदा जो हमने फजूल किस्म का इंटरनेट जो हर रोज ब्लॉक हो जाता था उससे हटाया, कम अज कम किताबों पर लगा दिया, चलो एक नहीं एक को देख के दूसरा आ जाएगा तीसरा आ जाएगा। तो मेरा एक्चुअल जो पॉइंट कहने का बात ये सारी बातें कहने का वो जो वाक्य सुनाने का मकसद ये था कि इस तरह के रिसर्च और एकेडमिक वर्क जो है उसकी एक कंटिन्यूशन जारी रहनी चाहिए। अहमद सलीम साहब अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और आपका काम जारी रहे, मगर इस काम को हमने अगली नस्लों तक भी ट्रांसफ़र करना है। तो हाउ डज दैट हैपन कि अगली नस्लों तक कैसे काम जाएगा और वो काम कैसे चलता रहेगा। मेरे ख्याल में आप सब लोग जो हैं मुझसे ज़्यादा बहादुर और हैं, जानते हैं, एंड आई एम श्योर के आई यू लुक इनटू इट कि कैसे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सेंटर से उनके रबते रखे जाएँ। मैं आखिर में सब आप लोगों का जो यहाँ हमारे लोकल लोग और जो बाहर से इस्लाव से तशरीफ लाए और स्पेशली अहमद सलीम साहब और हमारा शफाक साहब आप ऑक्सफोर्ड में तशरीफ लाए, मैं आपका बहुत ही मशहूर हूँ और थैंक यू फॉर योर कमिंग विजिट। एंड मैं ये समझूंगा कि ये मतलब आखिरी विजिट नहीं है, ये एक इब्तिदा है, दैट मस्ट बी कंटिन्यूड, ये काम जारी रहना चाहिए। ऑक्सफोर्ड जैसे शहर के साथ लिंक अहमद सलीम साहब और इनका जो काम है उसका लिंक रहना चाहिए। आर्काइव के हवाले से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पाकिस्तान से जो भी आता है वो डोनेशंस की बात करता है, जिससे इस तरह हम लोग एक बिल्कुल उसके अपोजिट एक हमारे पास मिसाल है। हमने अपनी अर्निंग से अपनी रिसर्च से जो हमने साउथ एशियन स्टडी सेंटर जो सर का आर्काइव है उसके अंदर काम करते हुए जो उससे अर्निंग हुई है हमने उससे एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है, उस अपने आर्काइव की अपनी इनकम से उसने अपने लिए जगह खरीदी है। और हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो यही है कि स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाए, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट जो साउथ एशियन स्टडीज़ में काम करना चाहते हैं उनके लिए छोटे से कैबिन हॉस्टल्स या इस तरह का कुछ रखा जाए जिसमें वो आएँ रुकें पढ़ें काम करें, और उसकी छोटी सी मेंबरशिप फ़ी रखी है जो कि बहुत ही नॉमिनल सी है, जिससे सिर्फ ये है कि वो एक अपना खर्चा निकालता है आर्काइव। और उसके लिए हमने एक जो एक अमूमन कॉन्सेप्ट है कि आप मस्जिद बनाएंगे तो जन्नत में घर मिलेगा, तो उसके लिए हर एक गली में हर एक ने अपना घर वहाँ बुक कराने के लिए बड़े बड़े महल खड़े कर दिए हैं एक एक कदम के ऊपर।
वो भी अच्छी चीज़ है जो जो करना चाहे, लेकिन लाइब्रेरीज के ऊपर खर्च करने से आई बिलीव, और इसमें आप सब जैसे लोग हैं, वो उसमें हम जन्नत यहीं पर बना सकते हैं। अगर हम किताब के साथ अपना कनेक्शन रख लेते हैं तो फिर हमें ऊपर जाकर जन्नत तलाश करने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं पर बना सकते हैं। और वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और यहाँ से कैम्ब्रिज से कई लोगों ने वहाँ से PhD किया है उस मटीरियल के साथ। फर्दर आपकी ऑफर्स को और आपकी एफर्ट्स को देखते हुए मैं आपसे ये कमिट करना चाह रही हूँ कि मैं अगले 9 माह तक यहीं पर हूँ। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो काम करना चाहते हैं साउथ एशियन स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए एक जो भी कनेक्टर का रोल हो सकता है वो मैं ऑफर करती हूँ। और हम अपने वहाँ पर हमने लाइब्रेरी के लिए एक अलग घर लिया हुआ है जिसका हम बाकायदा रेंट देते हैं, और वो पूरा घर सिर्फ लाइब्रेरी है जिसमें हमने सेक्शन बनाए हुए हैं। अगर बलोचिस्तान पर है तो एक रूम पूरा बलोचिस्तान के लिए मुख्तस है, एक सिंध के ऊपर जितना मटेरियल है उसके लिए। तो हमने मुख्तलिफ पोर्शन में उस पूरे आर्काइव को अलग अलग थीम वाइज उसको रखा हुआ है, इसलिए कोई भी आए उसके पास उसके ठहराने का, उसके बैठ कर काम करने के लिए हमारे पास जगह है। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम चाय पीते हैं।